देश बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि का मामला उठाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट भी कर दिया और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ ही देर में विधायक लौट आए। विपक्ष ने कहा है कि सरकार तेल के दामों में कमी कर सकती है, लेकिन ये बोझ जनता पर लगातार डाला जा रहा है। राज्य सरकार को घटाना चाहिए जी। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से जी। कोई बताने लायक बात नहीं बची। आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरसते। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि उस समय पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे और आज क्या है। आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है। कोविड के कारण लोगों की नौकरियां छूट गई है, लोग अपने बच्चों की फीस स्कूल की भर नहीं पा रहे हैं, खाद्यान्न महंगा हो गया है, तेल और राशन महंगा हो गया है, और उसके बाद पेट्रोल और डीजल की महंगाई माल भाड़ा भरने से हर चीज़ को महंगी कर रही है। ये कौन सा जवाब हुआ कि कमलनाथ जी ने कम नहीं किया है? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, उनकी सरकार में अगर ये दाम बढ़े होते तो ये प्रश्न जायज था। आज तो उत्तर आपको देना और काम आपको करना है। देखिए, समय आने दीजिए, जनता माकूल जवाब देगी। हम एक विपक्ष हैं और हमें अपना निर्वहन करना है सदन के अंदर भी और बाहर भी, जनता की लड़ाई को लड़कर, जो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ कर रही है। 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिजूल खर्ची की, आईफा अवार्ड आयोजित किया, जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान की शानो शौकत के लिए बड़ी बड़ी पार्टियाँ रखी, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बंगलों पर करोड़ों रुपये खर्च किए, और इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ की सरकार ने वेट बढ़ाया, और उसी का परिणाम है कि उस समय सबसे ज़्यादा महंगाई थी। आज के जो दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल और डीजल के दाम के कारण दाम बढ़ रहे हैं, हमने वेट नहीं बढ़ाया। सदन में तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण बेहद कॉमन था, इसमें पीएम मोदी का जिक्र करना जरूरी नहीं था। हमारी सरकार ने कोरोना की तैयारी की थी, बाद में प्रदेश में कोरोना फैला, इसका जिम्मेदार कौन? कोई 15 साल के हिसाब देने की जगह कहा कि प्रदेश बर्बाद हुआ 15 महीनों में, और कई आंकड़ों के साथ, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी तो एक ही मांग है कि अगले साल राज्यपाल अपने भाषण में हिसाब दे कि जो इस साल कहा था वो कहाँ तक पहुँचे। मेरा तो ये कहना है कि कितनी जगह लिखा है प्रस्तावित है, कितनी जगह कहा है इस पर विचार करा जाएगा, कितनी दफे कहा है कि इसका एलोकेशन किया जाएगा, ये सब गुमराह करने की बात।